आपकी। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी में से इतने क्वेश्चन आते हैं कि अलग से 3-4 दिन की क्लास लगानी पड़ती है। मैं कोशिश करूंगा कि हर जो क्लास होगी हमारी उसमें बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बनाऊं, इसलिए सबसे पहले आपको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव से फेमिलियर कराने जा रहा हूं। ये मैंने लिखा है ए बी सी डी अप्रोच होती है। ये सबसे पहले लिखा है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव यहां से शुरू होता है, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो और आफ्टर अटेंडिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स जहां टीईटी लर्नर विल बी एबल टू, नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ऑफ एमसीक्यूज एट लीस्ट विद 80% एक्यूरेसी। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव एक टर्म है कि मैयरेबल होते हैं, मैयर कर सकते हैं, वो मैयरेबिलिटी यहां पर दिखाई दे रही है कि 80% आप करेक्ट रिस्पांस दे सकते हो। आज सिर्फ इतनी बात करूंगा, नेक्स्ट आगे चल के इसको एलेबोरेट करेंगे। स्टार्ट करते हैं यहां से। सबसे पहले ये नॉलेज, अगर क्वेश्चन पूछूं, पोलिंग साथ में हो सकती है अभी, आपको क्या लगता है कि नॉलेज एज होल है या नॉलेज पार्ट्स हैं? यस वाले ए और नो वाले बी, अगर तैयार हो, नहीं तो आगे चलते हैं। यस यस के नॉलेज होल है, नॉलेज पार्ट है। यस, जल्दी जल्दी, 50-50% हो गया। ठीक है, 50-50 चल रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो चल रहे हैं होल की तरफ। लगभग मेरे पास 66% जो रिजल्ट आ रहा है होल कह रहे हैं। दोनों अप्रोचेस ठीक हो सकती हैं, आप प्रोसीड किस तरफ करते हो वो ये बात है। बेशक आज टॉपिक हमारा डोमेन्स ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट है, लेकिन आपने क्लासरूम में फर्स्ट प्राइमरी आपका काम क्या होना है कि टीचिंग नॉलेज को आपने इम्पार्ट करना है। तो नॉलेज जो अल्टीमेटली है वो एज होल है, दैट इज वाई यहां मैंने होल लिखा है। ठीक, लेकिन इंसान जो था वो नॉलेज को समझना चाहता था, और समझने के लिए ये पॉसिबल है कि सारी नॉलेज इकट्ठी समझी जाए, ये पॉसिबल नहीं था। अच्छा, तो कुछ लोगों ने समझने के लिए साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया है ना, डार्विन से शुरू कर सकते हैं आप। तो कुछ ने फोकस कर दिया कि मैं लिविंग बीइंग को स्टडी करूंगा, उसको कहा जाने लगा बायोलॉजी, और किसी ने केमिकल पर फोकस कर दिया, वो बन गया केमिस्ट्री। अच्छा, किसी ने फिजिकल स्ट्रक्चर पर फोकस किया कि फिजिकल स्ट्रक्चर वर्ल्ड जो है, सारा वर्ल्ड एज होल है, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, तो वो बन गई फिजिक्स। अच्छा, कोई कहता है मैं पास्ट को स्टडी करूंगा, वो बन गई हिस्ट्री। कोई कहता है मैं अर्थ के सरफेस वगैरह वगैरह को स्टडी करूंगा, वो बन गई ज्योग्राफी। कोई कहता है मैं पावर को स्टडी करूंगा। ये क्या हो रहा है, नॉलेज एज होल थी, लेकिन हम डिवाइड करके क्या होता है, आसान हो जाता है काम। हम उसको समझने के लिए, कल हमने किया था कि डेवलपमेंट होल है, सभी डोमेन्स उसमें शामिल है, लेकिन आज कल से उल्ट मैं बात थोड़ी करने लगूंगा कि यार ये अलग अलग डोमेन और पार्ट्स को समझाने लगे हो। उसका ये आंसर है कि नॉलेज को होल में समझना बड़ा डिफिकल्ट है, दैट इज वाई ह्यूमन बीइंग ने, साइंटिस्ट ने उसको पार्ट्स में समझना शुरू कर दिया। जब पार्ट में समझना शुरू किया, किसी एक एस्पेक्ट नॉलेज के पर फोकस किया, तो वो क्या बनने लगे, ये बन रहे हैं सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स वैसे डिसिप्लिन भी इसके लिए शब्द है। जिसने आइडियाज पर फोकस किया वो क्या बन गया, फिलोसफी। सोशल वेब पर फोकस किया बन गया सब्जेक्ट साइशियोलॉजी। जब मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर पर फोकस किया तो वो बन गया साइकोलॉजी। तो हम समझने के लिए हमने क्या अप्रोच यूज की, होल नॉलेज से पार्ट की तरफ मूव करना शुरू किया। जब यही बात आप पेडागोजी पर अप्लाई करोगे तो आप कंटेंट को लेके क्लासरूम में जाते हो, तो दो अप्रोचेस होती हैं कि आप होल को लेके पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हो, नंबर 1, दूसरी कि पार्ट्स को लेके गए थे होल की तरफ बढ़ रहे हो। दो पेडागोजी, दो टीचिंग अप्रोचेस हैं। तो जब आप होल से चले थे,
लेकिन पार्ट्स की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे हम होल नॉलेज से सब्जेक्ट बना लिए, आगे हमने कमी नहीं की, हमने ये कहा पास्ट को स्टडी कर रहे हैं, जैसे चलो साइकोलॉजी की एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर उसका संदर्भ है, हमने कहा कि हम साइकोलॉजी में सोशल एस्पेक्ट स्टडी करेंगे, वो बन गई सोशल साइकोलॉजी, हमने कहा इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट को, वो बन गई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, हमने कहा कि अबनॉर्मलिटी को स्टडी करेंगे, वो अबनॉर्मल साइकोलॉजी, तो फर्दर उसकी डिवीजन बन गई। आप जिस भी सब्जेक्ट के हो उसकी फर्दर डिवीजन आपने देखी हुई है, तो वो डिवीजन आगे टॉपिक बन गए, टॉपिक के आगे पार्ट्स बन गए, फिर पॉइंट्स बन गए, पॉइंट्स की भी सब डिवीजन बन गई। हम क्या है, होल से इंडियन सिस्टम क्या कर रहा है, सारा आपकी क्लास में क्या हो रहा है, होल से हम पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये डिवीजन इतनी हो गई कि हमने एक जो था साइकोलॉजी, जनरल साइकोलॉजी, इसको आज हमने उठा लिया है कि साइकोलॉजी की टोटल नॉलेज भी होल थी, लेकिन इसको फिर आगे हमने फर्दर डिवाइड कर लिया। वो डिवीजन जो थी, जो हमने होल से पार्ट की तरफ पीछे भी बात यही करके आए हैं, डिवीजन की, उस डिवीजन को कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस जब आप पार्ट्स की तरफ बढ़ते हो, जब हम पार्ट्स से होल की तरफ बढ़ते हैं, यहां दिखाई दे रहा है आपको, पार्ट्स से होल की तरफ बढ़ते हैं तो उसको कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस, सिंथेसिस जोड़ देना। अच्छा, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी में भी क्या हुआ कि एक साइकोलॉजिस्ट आता है, वो कहता है कि यार मैं तो बिहेवियर को स्टडी करूंगा, एक्शन को स्टडी करूंगा, रिस्पॉन्सेज जो दिखाई देता है, एक्शन सॉरी उनको स्टडी करूंगा। तो ये अलग से एक डोमेन बन गई जिसको फिजिकल डोमेन कहा जाने लगा। दूसरे साइकोलॉजिस्ट आए, कहते मैं नॉलेज, मेरे माइंड में नॉलेज कैसे एंटर हो जाती है, कैसे डेवलप होती है, नॉलेज बढ़ती कैसे है, तो थिंकिंग कैसे डेवलप होती है, उनको कहने लगे इस डोमेन को, जिसने नॉलेज और थिंकिंग को स्टडी करना था, कॉग्निटिव, और जो फीलिंग्स और इमोशंस को स्टडी करता था उसके पार्ट को, है ना, उसको कहा जाने लगा अफेक्टिव। ओके, जो इंटरैक्शन को, रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे हैं उसको कहा जाने लगा सोशल डोमेन, और जो गुड एंड बैड बिहेवियर, बच्चे का बिहेवियर अच्छा है या बुरा है, उसको जो स्टडी करते थे उसको कहा जाने लगा मॉरल डोमेन्स। ये डोमेन्स कल की क्लास में मैंने ये टॉपिक भी क्लियर किया, क्योंकि कल मैंने देखा कि फंडामेंटल्स आपके क्लियर नहीं है। जब तक आपको ये नहीं पता कि फिजिकल डोमेन है, कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, सोशल है, मॉरल है, एक दो और बातें कर रहा हूं, और ये डोमेन्स कैसे बनी, ये एनालिटिकल अप्रोच से बनी है। ठीक, तो एनालिटिकल अप्रोच से हम डिवाइड करते गए। मान लीजिए अब आपके टीईटी के सिलेबस या बीएड डीएलएड के सिलेबस में है क्या कि जिस साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके किसी साइकोलॉजिस्ट ने नोइंग को, थिंकिंग को, रीजनिंग को समझने की कोशिश की, ये डेवलप कैसे होती है, तो वो थ्योरी बन गई कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, यहां लिखने लगा हूं प्याजे, ये थ्योरी ने पीछा नहीं छोड़ना। ओके, फिर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट आए ब्रूनर, उन्होंने भी यही एनालिसिस किया कि हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं, तो ब्रूनर। रशियन साइकोलॉजिस्ट आए वाइगोत्स्की। ओके, तो ये मेन थिंकर हैं जिन्होंने थिंकिंग, नोइंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, और इनके जो विचार थे, रिसर्च थी, उसकी जब पब्लिकेशन होती है और वो फिर कहा जाता है कि इसको ये वैलिड नॉलेज है। कौन सी नॉलेज, जो कि साइंटिफिक मेथड से आई है, दैट इज वाई इसको एजुकेशन में अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि इसका फैलाव करना है, ये अच्छी बातें हैं, तो दैट इज वाई ये वो सिलेबस में लग गई, ये लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्याजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की, बहुत सारे सवाल आएंगे। यहीं तक नहीं, मैं जब पेडागोजी टीच करूंगा तो ये साबित करूंगा कि 90% से ज्यादा जो राइट रिस्पॉन्स चार में से एक आपने चुनना है वो इन थ्योरीज की एप्लीकेशन होगा। अच्छा, तो ऐसे ही अफेक्टिव डोमेन जो इमोशंस को है, लेकिन इसकी कोई थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं है, सबसे ज्यादा डोमेन स्टडी होने वाली कौन सी है, कॉग्निशन।
कॉग्निटिव, ओके। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन को एरिक्सन, यहां पर एरिक्सन की थ्योरी 8 स्टेजेस वाली है, वो हमने पूरी पढ़नी है। उसने उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी उनको कहा जाता है, तो सोशल पर है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरे से पूछो कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी कौन सी है, दैट इज मॉरल डेवलपमेंट। वर्ल्ड वाइड थ्योरी जिन्होंने मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी, इस डोमेन को स्टडी किया, वो थे कोहलबर्ग। मैं नेक्स्ट जन मैंने टेस्ट लेना है तो इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सारे क्योंकि क्वेश्चन आपने कहा है कि टाइम ज्यादा है, दैट इज व्हाई वो आगे से ध्यान से समझना आगे क्या होने वाला है। अब प्याजे ब्रूनर वैगोस्तकी ने थ्योरी दे दी, मतलब नॉलेज दे दी साइंटिफिक मेथड से, इधर इन्होंने एरिक्सन ने और इन्होंने, तो जब ये सारी थ्योरी की नॉलेज उनके प्रिंसिपल हमने अप्लाई किए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इनकी जो थ्योरीज थी उनको अप्लाई किया क्राइम को खत्म करने के लिए, वो बन गया क्रिमिनल साइकोलॉजी। जब इसको अप्लाई किया, बाकी को भी, मॉरल को भी, कोरबल को भी, है ना, इनको अप्लाई किया हमने सॉल्व करने के लिए इंडस्ट्री की प्रॉब्लम को, दैट इज बन गई इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। जब वो डिसऑर्डर, जो डिजीज होती है, मेंटल अबनॉर्मेलिटी होती है ना, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, उनको सॉल्व करने के लिए जब ये नॉलेज अप्लाई की, दैट बन गई क्लिनिकल साइकोलॉजी, अबनॉर्मल साइकोलॉजी भी बोल देते हैं, थोड़ा डिफरेंस भी है। अच्छा, जब हमने इन्हीं थ्योरीज को अप्लाई किया कि टीचिंग और लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दैट इज एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो वो हम टीईटी में इन थ्योरीज को पढ़ेंगे, ये थ्योरीज स्पेसिफिक डोमेन को स्टडी कर रही हैं, इन्होंने बाकी डोमेन्स को परे करके एक पर फोकस किया, मीन एनालिटिकल अप्रोच ये जो चल रही है उसको समझा रहा हूं। हाँ, तो इन थ्योरीज को पढ़ के हमने अल्टीमेटली जब टीचिंग लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो बन गई पेडागोजी। तो आपकी टीईटी में 2 पार्ट हैं, एक तो सीडी चाइल्ड डेवलपमेंट, वो ये थ्योरीज सारी पढ़ेंगे और उनकी एप्लीकेशन पेडागोजी, तीसरा आपका जो सब्जेक्ट का कंटेंट होगा। आगे चलते हैं, क्लॉक नहीं है, टाइम मुझे पता चल जाए तो अच्छी बात है वरना मैं तो चलता रहूंगा। ओके, ये रहा, हम मिनिमाइज कर रहे हैं, ये हो गया हमारा, ये हमारा टॉपिक वैसे ये है, वो इंट्रोडक्शन थी। वो इंट्रोडक्शन क्यों? क्योंकि सारी टीईटी में उसने पीछा नहीं छोड़ना। अब हम डोमेन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक लंबा हो जाता है, दैट इज वाई मैं एक डोमेन को ज्यादा फोकस करूंगा, वो अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आगे चलूंगा। हमारा है ये जो डोमेन्स हमने समझी है, ये कौन सी बनती है, इनको क्लासीफाई करते हैं, तो अच्छी तरह से अगर हमने समझना है, ये रहा वो नेटिव डोमेन नंबर 1, नाम डिफिकल्ट है, लर्न करने का तरीका बता रहा हूं। कॉग्निटिव में मुझे ए बहुत, यहां से ये रहा, एक मिनट पेन ले लूं, हाँ ये कॉग्निटिव में ना ए ए है, रेड ले लूं, एक मिनट रेड कर लूं भी, कहां रेड भैया, यहां हो, ये ठीक है, ए, इसलिए यहां पर आपको कॉपी चाहिए। ए को मैंने कर दिया एक्शन, लिख लिया एक्शन, ठीक है, एक्शन हमेशा फिजिकल होते हैं, ओके, या डोमिनेट फिजिकल करते हैं। तो कोनेटिव अगर ऑप्शन आपको आता है, उसका मतलब एक्शन होगा, फिजिकल एक्शन, फिजिकल पार्ट जो है लर्निंग का, जहां डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड। दूसरा है कॉग्निटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा रिसर्च इस पर हुई है, इसकी आई मैंने उठा ली, आई आई इसी में आ रही है, इसको लिख दिया इंटेलेक्ट या इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस आपको पता है कि ब्रेन से, ब्रेन कहना है कि जहां इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, जहां इंटेलिजेंस का संबंध है के से, नॉलेज से। तो कॉग्निटिव अगर आती है तो ऐसे आप याद रख सकते हो, आगे क्वेश्चन आने हैं, आप अभी एसोसिएशन बना लो, 2-2, 3-3, 5-5 सेकंड से अधिक नहीं मिलेगा। कॉग्निटिव जब आता है तो ए याद रखनी है, एक्शन को, कॉग्निटिव है तो आई याद रखनी है, अफेक्टिव है एफ, क्योंकि यही 3 सबसे ज्यादा डोमेन्स आती हैं। यहां लिख लो डबल एफ आ रहा है, इसको फीलिंग कर लो, फीलिंग के साथ आप ई डबल आ गई है, इमोशंस कर लो, मतलब के
अफेक्टिव डोमेन में फीलिंग्स और इमोशंस को स्टडी किया जाता है, कोग्निटिव में फिजिकल एक्शंस को स्टडी किया जाता है, कोग्निटिव में इंटेलेक्ट नोइंग थिंकिंग को स्टडी किया जाता है। दूसरा ध्यान से देखना कि मैंने इनको करीब से जोड़ क्यों दिया है, इनमें थोड़ा डिफरेंस क्यों रखा है। कारण ये है कि कई साइकोलॉजिस्ट लैंग्वेज को कोग्निशन जो कोग्निटिव डोमेन है उसी का पार्ट समझते हैं, कई इसको अलग समझते हैं, इसलिए मैंने दोनों को लिख दिया है। क्योंकि हमारे सिलेबस में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी एक टॉपिक है। जब क्वेश्चन ये पूछा जाए, आपको पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद, तो आंसर उसका आएगा कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव डायमेंशन या कॉग्निटिव एरिया। या ये भी बताता हूं, चार नाम है, ये कंफ्यूज करते हैं क्योंकि एक नाम चेंज कर देते हैं। यहां तक बात होगी एक दो तीन चार लैंग्वेज की। अब ये रहा कि सोशल, सोशल जब भी होता है रजे दो या दो से अधिक के बीच में एक्शन रिएक्शन इंटरेक्शन या कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशन बहुत कॉमन टर्म है जो यूज होनी चाहिए क्योंकि कोई भी सोशल इंटरेक्शन कम्युनिकेशन के बिना नहीं हो सकता। तो जो इंटरेक्शन रिलेशनशिप्स, दूसरा बढ़िया वर्ड रिलेशंस, रिलेशंस उनको स्टडी करते हैं, उन पर फोकस करते हैं, तो सोशल डोमेन आ गई है ना। तो सोशल डोमेन को भी इसके साथ बहुत करीब जोड़ के रखा है, ये बात जानने के लिए है। क्योंकि जो सबसे करीब अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये वाली लैंग्वेज की ऑप्शन ना हो कि मोस्ट क्लोजली रिलेटेड डोमेन कौन सी है, तो वो है इमोशनल एंड सोशल। ओके, तो लास्ट बच गई है हमारे जो गुड और बैड की है, कोलबर्ग की थ्योरी। बैड को हमने खत्म करना है, गुड की तरफ जाना है, ये एजुकेशन का पर्पस है। यहां पर मैंने एस्थेटिक बड़ा फीका सा लिखा है और स्पिरिचुअल लिखा है, ये क्वेश्चन आ चुके हैं। स्पिरिचुअल डोमेन इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि किसी भी साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी नहीं है स्पिरिचुअल डोमेन को स्टडी, क्योंकि स्पिरिचुअल में सोल्स या डेथ के बाद के एक्सपीरियंस है। हाँ, साइकोलॉजी स्टडी करती है, यहां डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन स्पिरिचुअल को डोमेन नहीं समझा जाता। एस्थेटिक को बहुत कम समझा जाता है, लेकिन एस्थेटिक में ओवरलैपिंग है कोनेटिक की भी और इमोशंस की भी और ये आ गया कॉग्निटिव की भी, तीनों ये मिलके भी चलती हैं एस्थेटिक में, दैट इज वाई इसको फीका रखा है। मेन डोमेन अब कौन सी हुई हमारी के कॉग्निटिव, फिजिकल याद रखना है एक्शन, कॉग्निटिव अफेक्टिव, लैंग्वेज सोशल एंड मॉरल। क्वेश्चन आपसे ये है, क्या ये क्वेश्चन लिखा है, क्या एक डोमेन में परिवर्तन दूसरे डोमेन में होने वाले परिवर्तनों को 100% अलग किया जा सकता है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया दोबारा समझा देता हूं, पोलिंग स्टार्ट होने लगी है, आपने देना है आंसर यस या नो में, कि एक डोमेन में चेंजेस को स्टडी करना है ना, एक डोमेन को दूसरी डोमेन से पूरी तरह 100% अलग किया जा सकता है। ए आंसर देना है यस, बी जो कहना चाहते हैं नो, क्या एक डोमेन को दूसरी डोमेन से अलग किया जा सकता है साइकोलॉजी में, लर्नर में रिस्पांस आ रहे हैं ए और बी। अगर यस ए, अगर नो, कौन सा आ रहे हैं, मिले जुले आ रहे हैं मजा आ रहा है भाई, क्या बात है कितने जनों का आ गया, 28 का आ गया, 29 का, यस। क्या एक डोमेन को, मैं एग्जांपल देता हूं, अब आपका रिस्पांस चेंज हो जाएगा देखना ये आए हैं आपके रिस्पांस, 58% ने नो कहा है कि नहीं, अलग नहीं किया जा सकता। वो कहना चाहते हैं कि एक डोमेन का इन्फ्लुएंस दूसरी पर है, ठीक। जब आप प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ोगे, इंटर रिलेशन का प्रिंसिपल एक आएगा। आप मुझे बताओ कि मेरे, मान लीजिए यहां पर चोट लगी है, क्या मेरे इमोशंस डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे, आंसर मिल जाना चाहिए। अगर मान लीजिए मुझे किसी ने बहुत हर्ट किया, क्या मेरे हाथ कांपेंगे कि नहीं, मेरे फिजिकल चेंज आया कि नहीं, मेरी हार्ट बीट बढ़ेगी कम होगी, फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे या नहीं। अच्छा, मुझे किसी ने हर्ट किया तो मैं मेरे नेगेटिव इमोशन हो गए, मेरा सोशल रिलेशन खराब होगा कि नहीं। इस एग्जांपल को लेके हमेशा याद रखना,
द आंसर इज नो के 100% सेपरेट इसको नहीं कर सकते, मैक्सिमम सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए वर्ड लिख रहा हूं, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है जब इसकी कंफ्यूजन को समझना है। ये वर्ड याद रखना है, डोमिनेट। कोई भी चेंज आप स्टडी करते हो तो डोमिनेशन देखनी है। इट मींस कि हो सकता है किसी बिहेवियर में फिजिकल डोमिनेट ज्यादा कर रहा है एक्शन, किसी में कॉग्निटिव इंटेलेक्ट नॉलेज थिंकिंग, किसी में लैंग्वेज, किसी में इमोशंस। जब आपको प्रेम होता है किसी से, है ना, आप फूल देते हो, ले लो भैया आई लव यू, सॉरी भैया को नहीं कहना, गलत हो गया। अच्छा, तो आपकी डोमेन कौन सी काम कर रही है? देखो, जो नया नया प्रेमी बना है उससे पूछना जरा कि क्या हो रहा है। साथ में प्रेम हुआ तो सोशल रिलेशन एक बढ़ गया, है ना। देखो, एक डोमेन दूसरी। अच्छा, जब आप मिल के छुप छुप के मिलना जाए ऐसा कुछ करना है तो आप एथिक्स को भी डिस्टर्ब करते हो, बना भी लेते हो बिगाड़ भी देते हो। यहां से आगे चलते हैं। ये किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है यहां तक पूछ सकता है। अच्छा, दूसरी बात, टीईटी में कौन सी डिस्टर्ब करती है कि डोमेन्स जो हैं, मैनी नेम, इसके नाम बड़े हैं। किसी क्वेश्चन में डोमेन आएगा, किसी में एरिया आएगा, किसी में डायमेंशन आएगा, किसी में एस्पेक्ट आएगा। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले वर्ड हैं वो डोमेन और डायमेंशन हैं। एरियाज सबसे कम, छोटा टिक लगाया, एस्पेक्ट दूसरे नंबर पर है। इनका मतलब वही होता है, वर्ड चेंज होते हैं, सिर्फ इतनी बात यहां कहना चाहता था। नेक्स्ट है कि ये डोमेन हो गए। अब ये देखना है, हमने यहां पर थे, ये वापस आते हैं यहां पर। अब मैंने यहां पर लिखा है कोनेटिव एक्शन था ना, इसकी दो कैटेगरीज हैं, एक फिजिकल एक मोटर। कोनेटिव की ये बड़ी कंफ्यूजिंग है, जब डेवलपमेंट शब्द यूज होगा तो वो हमेशा मोटर के साथ होना चाहिए, नेट पर भी गलत है। फिजिकल डेवलपमेंट वर्ड, फिजिकल ग्रोथ होती है, कल हमने बात किया था, पर नेट में बुक्स में मिलेगा। जब डेवलपमेंट वर्ड साथ में ऐड हो गया, है ना, फिजिकल डेवलपमेंट, कोनेटिव डेवलपमेंट या मोटर डेवलपमेंट, तो उसका मेन मतलब जो होता है वो मोटर होता है। अच्छा, मोटर का आगे मतलब क्या है ये बता दूं। मोटर का मतलब है मूव मेंट्स, मूवमेंट्स किसकी, मसल्स की या बॉडी की। अगर ऑप्शन दोनों आ जाते हैं कि मोटर डेवलपमेंट मीन मूवमेंट ऑफ, तो बॉडी को चूज करोगे या मसल को चूज करोगे, आगे चल के देखते हैं, मसल को चूज करोगे वैसे। अच्छा, आगे जो है मोटर डेवलपमेंट, उसमें अगर स्मॉल पार्ट्स आपके बॉडी के यूज होते हैं तो फाइन मोटर, अगर लार्ज बॉडी पार्ट यूज होते हैं तो ग्रॉस मोटर। आगे ग्रॉस मोटर को भी आगे दो में डिवाइड किया गया है, आगे चल के हम उसी ग्राफ को देखते हैं कि वो डिवीजन कौन सी है। यहां तक बस आज करेंगे, कितने मिनट हो गए, मैं ज्यादा तो नहीं लंबा खींच रहा, जल्दी करते हैं अभी। ये रहे आपके बॉडी पार्ट, बॉडी पार्ट में स्मॉल बॉडी पार्ट यहां से दिखा देता हूं। ये आपकी फिंगर टिप्स हैं, फिंगर्स हैं, ये है रिस्ट है, आईज है, ये स्मॉल बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। और जो ये लिंब है आपका, इसको अगर डिवाइड करना है, ये अपर लिंब और ये मतलब इसमें लेग्स आ गई और आर्म्स आ गई, और ये वाला पार्ट जो है जिसको धड़ बोल देते हो आप, वो वाला पार्ट आ गया। जब आप लार्ज बॉडी पार्ट को यूज करते हो तो वो ग्रॉस, जब आप स्मॉल को यूज करते हो तो वो हो गई फाइन। इतनी बात है, आगे इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये रहा आपका, यस, ये हो चुका है। हाँ, अब ये समझ लीजिए आपको क्वेश्चन कैसे आने हैं, इसको भी छोटा कर दो थोड़ा। हाँ, अब ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन कैसे आने हैं। इसको अंडरलाइन करना है या कॉपी में लिखना है। मोटर में मूवमेंट ऑफ मसल्स, मसल्स इज इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो बॉडी पार्ट्स। तीसरा इंपॉर्टेंट, मोटर डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं, मोटर लर्निंग की बात कर रहा हूं। तीन बातें आई, मूवमेंट्स नंबर एक, मसल्स नंबर दो, नंबर तीन बॉडी पार्ट, नंबर चार कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कॉमन है, ग्रोस में भी होगी फाइन में भी होगी। अच्छा, यहां पर नहीं, आगे बढ़िया सा बना रखा है, वहां पर देखते हैं, इसको थोड़ा उड़ा देते हैं। ये रहा, टाइम फिर ज्यादा हो गया, सॉरी। ये रहा आपका ये, अब इसको बड़ा करके आपको मूवी दिखाता हूं एक। ये
पहले ये देखो कि ये बच्चा है, ठीक है, ध्यान से देखना है कि ये बच्चा होल बॉडी को या बड़े पार्ट्स को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहा है। ध्यान से देखना क्या ये स्मॉल पार्ट्स को यूज कर रहा है। अगर ये स्मॉल पार्ट्स को, अपने बॉडी पार्ट्स को, मसल्स को यूज कर रहा है तो ये फाइन मोटर स्किल है। अगर ये लार्ज को यूज कर रहा है तो ये ग्रोस मोटर स्किल है। आपने ये बताना है कि यस, पोलिंग करेंगे एक मिनट, मैंने यहां पर उल्ट पुल्ट लिखा हुआ है शायद, तो आपने ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये ग्रॉस है एक्शन या फाइन ग्रॉस फाइन मोटर मूवमेंट है। जल्दी बताएं, पोलिंग होगी अप्लाई। यस, ए ऑप्शन है ग्रॉस के लिए। याद रखना, शुरू में हर वक्त मैं क्वेश्चन में भी ग्रॉस रखूंगा। कारण उसका क्या है, जब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बच्चा पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप करता है जहां फाइन करता है, तो पहले मैं ग्रॉस रखा है, आपको याद रहे अगर ये क्वेश्चन आता है। अभी भी ऑप्शन में क्या रखा, ए ऑप्शन ग्रॉस की है, ठीक है, ए ग्रॉस और बी फाइन की है। आपने बताना है ये ग्रॉस थी या फाइन थी। यस, आ गए हैं, यस यस, ए ग्रॉस मतलब लार्ज बॉडी पार्ट्स मसल यूज किए, दूसरा है फाइन। ओके, हमारे पास आंसर आ गए हैं। 83 ने ये कहा है कि ये है, कहां पर है, यहां है, 83 ने कहा है ये फाइन मोटर स्किल है, राइट आंसर है। अभी ये सोचना है, जिन्होंने ये कहा है कि ये ग्रॉस है, वो इस मूवी को देख लें और ये देखें कि इसमें लार्ज बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं बच्चे के, है ना, या स्मॉल बॉडी पार्ट यूज हो रहे हैं। क्वेश्चन आपका सही है, वही है कि ये जो मूवी है ये डिपिक्ट करती है ग्रॉस मोटर स्किल्स को या फाइन मोटर स्किल्स को। इस मूवी को बार बार यूज करूंगा, यहां पर अभी चलो बात नहीं करूंगा, इतनी है, दैट्स ऑल, रोक देता हूं, टाइम कम है इसलिए। हाँ जी बताइए, पोलिंग, यस, दोबारा से सोच लिया, दो है ग्रॉस पहली और दूसरी है फाइन, आंसर दीजिए जल्दी। मैंने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव बनाया था कि 80% के रिस्पांस ठीक हो जाएंगे, जहां आपके 80% रिस्पांस ठीक हो गए तो आपका जो है 93 ने चूज किया है कि ये ग्रॉस है, यस राइट। तो देखिए इसका डिस्टिंक्शन आगे चल के समझते हैं। यहां पर ये समझ लीजिए कि स्मॉल पार्ट या स्मॉल मसल्स फाइन और लार्ज मसल्स या लार्ज बॉडी पार्ट वो ग्रॉस हो गया। देन इन वर्ड्स को नोट करना जरूरी है क्योंकि यही क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। रिस्ट यूज होती है, मैं चेंज कर लूं इसको, येलो वाला कर लूं, ये रिस्ट यूज होती है, ये कलाई है ना। ओके, आप कहोगे कि यहां पर बच्चा कलाई यूज कर रहा है, उसकी डिस्टिंक्शन आगे जाके आपको मिल जाएगी, आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन भी करना। हैंड यूज हो रहे हैं तो फाइन है, आप कहोगे यहां भी यार हैंड यूज कर रहे हैं। अच्छा, फिंगर्स यूज कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे वाली राइटिंग जो है कैसे आती है, राइटिंग फाइन मोटर स्किल है। अच्छा, फीट यूज हो रहे हैं, फीट यहां पर चलने के लिए, दौड़ने के लिए बात नहीं हो रही, फीट को हिलाना है, ऐसे ऐसे हिलाकर कोई चीज थोड़ी करते हो, हाँ। अच्छा, टोज यूज हो रहे हैं, ये जो स्मॉल पार्ट है, दूसरे हो गए हैं आर्म्स, लेग्स, बैक, स्टोमैक, ये बड़े पार्ट, ये पहले बात हो चुकी है। नेक्स्ट डिफरेंस इनमें क्या है, ये स्पेसिफिकली सिंगल जॉइंट है, फाइन मोटर स्किल में सिंगल जॉइंट है। अब देखिए कि इस मूवमेंट में सिंगल जॉइंट यूज हो रहा है कि मल्टीपल जॉइंट्स यूज हो रहे हैं। इसमें सिंगल हो रहा है, पोलिंग करेंगे, सिंगल हो रहा है तो ए, अगर मल्टीपल हो रहे हैं सारी मूवी में, अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो बी, सिंगल जॉइंट 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 है ना, कौन सा यूज हो रहा है, हो गया, आ गया, सभी के राइट आंसर है, मल्टीपल हो रहे हैं, अगर मल्टीपल हो रहे हैं तो ग्रॉस मोटर स्किल हो गया ना, जिनके जो 9% गलत थे वो भी ठीक हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा नेक्स्ट डिफरेंस, सॉरी लेट हो रहा हूं थोड़ा, मेरे ख्याल में आपको कर रहा हूं वो, एक मिनट, ये रहा हमारा दूसरा पॉइंट,
ये नेक्स्ट है कि रिक्वायर्ड हाई डिग्री ऑफ कंट्रोल, आपको लगता है शायद उसमें ज्यादा कंट्रोल चाहिए, नहीं, आप याद रखना जब वो पुरानी लेडीज होती थी ना, उन्हें करती थी कढ़ाई बुनाई ऐसे, वो कितना ब्रीक कंट्रोल है, जब किसी ने पेंटिंग करनी है कितना ज्यादा कंट्रोल है, किसी ने फुटबॉल को मारना है तो कम कंट्रोल है, रिलेटिवली ऐसे सोचा जाता है, इसलिए यहां पर लो कंट्रोल हाई कंट्रोल, लेकिन यहां प्रिसीजन ज्यादा यहां प्रिसीजन कम। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनुअल डेक्सटी, ये मैंने वर्ड क्यों लिया, ये ऑप्शन में अक्सर आता है, डेक्सटी का जब भी मतलब आता है हैंड को याद करना है, ये कोई भी स्किल जिसमें हैंड यूज होते हैं है ना, वो डेक्सटी है। यहां पर डोमिनेशन नहीं है हैंड्स की, लार्ज मसल ग्रुप एंड जनरली मोर ब्रॉड, ठीक। नेक्स्ट डिफरेंस है लेस एनर्जेटिक, तो आपको एक बात याद रखनी होगी, लार्ज और स्मॉल कई आंसर कंफ्यूज करेंगे, फिर देखना कि एनर्जी किसमें ज्यादा लग रही है, अभी क्वेश्चन मैं पूछूंगा जल्दी जल्दी यस नो में, ग्रोस तीन ऑप्शन होंगे उसके, आपने देखना है दूसरा आंसर कैसे ठीक हो सकता है आपका, स्मॉल पार्ट लार्ज पार्ट यूज हो रहे हैं, दूसरा एनर्जी किसमें ज्यादा लग रही है, अगर तीसरा लगे तो ज्वाइंट वाला आप जोड़ सकते हो, दो क्राइटेरिया, ये बहुत आसान है, बहुत जरूरी है, इससे आपका आंसर गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये रहा, ऑफन रिक्वायर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन किसकी, ये जरूरी है, फाइन मोटर स्किल में हैंड, ये क्वेश्चन आए हैं, ये क्वेश्चन आए हैं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन फाइन मोटर स्किल में, और इसमें भी कोऑर्डिनेशन इसका कॉमन पॉइंट है, ये क्वेश्चन मैंने बनाया नहीं लेकिन बन सकता है कि कॉमन एस्पेक्ट फाइन और मोटर का क्या है, कोऑर्डिनेशन, और आर्म्स की कोऑर्डिनेशन, लेग्स की कोऑर्डिनेशन एंड अदर लार्ज बॉडी पार्ट की कोऑर्डिनेशन, मैं भाग रहा हूं ऐसे ऐसे, अब कोऑर्डिनेशन है मेरी लेग की, इसकी इसकी इसकी, तो ये कोऑर्डिनेशन है। अच्छा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मॉल एक्शन, ये मेरे ख्याल में इजी है, रेपिटेशन भी लगेगा, ये बिगर एक्शन है। ओके, नेक्स्ट लास्ट जो एग्जांपल्स हैं, पिकिंग अप ऑब्जेक्ट्स, द थंब एंड फिंगर को यूज करना, ऐसे 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 करना, राइटिंग केयरफुली है ना, ये मैं क्या करूं अभी अभी ये यूज हो रहा है, ये फाइन मोटर स्किल है। अच्छा, मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, इधर क्या है, वॉकिंग रनिंग थ्रोइंग लिफ्टिंग पुलिंग पुशिंग किकिंग, ये सभी जो है अपनी ग्रॉस मोटर स्किल की एग्जांपल्स हैं। अब मैं आगे आपको वो दूंगा, क्वेश्चन देने लगा हूं, क्वेश्चन अभी वो नहीं है, अभी इसी के क्वेश्चन है, ये हो गया, ये रहता है अभी, ऑफन का है कोऑर्डिनेशन विद हैंड, ये हो चुका है इन्वॉल्व, ये हो चुका है। ओके, नेक्स्ट है ग्रॉस मोटर स्किल भी आगे दो तरह की होती हैं, ये ज्यादा जरूरी हो गया है, वो कौन सी है बस ब्रीफ में बताऊंगा अब। एक तो लोकोमोशन स्किल, लोकोमोशन स्किल में ये याद रखना है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते नहीं हो, आपकी कंफ्यूजन अब तक क्या थी कि यार वो बच्चा ऑब्जेक्ट को तो वो स्पून को पकड़ने लगा है, बॉल को पकड़ के दौड़ रहे हो आप, अब इस पर फोकस करना है पकड़ के या इस पर, है ना, तो क्योंकि एनर्जी इसमें ज्यादा लग रही है, मैं बॉल लेके पकड़ के भाग रहा हूं, तो ये फाइन मोटर स्किल लग रही है, तो उसकी डिवीजन है ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल्स। ये आपको फोटो दिखाई दे रही है कि बॉल फेंक रहे हैं ऐसे, अब सारा बॉडी पार्ट यूज कर रहा है, ये वाला वो है स्मॉल वाला, लेकिन फेंक रहे हैं, जिसको कैटेगराइज किया गया है ऑब्जेक्ट कंट्रोल, इसको बस याद रखना है। इसकी तीन एग्जांपल है, थ्रोइंग कैचिंग एंड किकिंग, यहां मेरे पास और भी बन सकती हैं लेकिन टाइम की कमी। लोकोमोशन में रनिंग जंपिंग स्लाइडिंग, इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, बच्चे का कोई भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर रहा किसी का, है ना, तो ये डिवीजन है। अब आपके पास तीन ऑप्शन है, आपने जवाब देने हैं, पोलिंग शुरू होने लगी है, पोलिंग के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये एक एग्जांपल है, एग्जांपल सिर्फ देख लीजिए, लोकोमोटर स्किल्स की है। ओके, ये है आपके विराट कोहली जी, पता नहीं कौन है, वही है शायद, ऑब्जेक्ट कंट्रोल, ये ऑब्जेक्ट कंट्रोल किया हुआ है, यहां पर बॉल है इसको कंट्रोल किया हुआ है हाथों से, आपको लगेगा यार ये हाथों से है तो फाइन हो गई, यही कंफ्यूजन दूर करनी थी, तो क्योंकि लार्ज बॉडी पार्ट है दैट इज वाई। हाँ, तो ये भी देखिए फुटबॉल हो, इनको पकड़ा नहीं है लेकिन कंट्रोल तो कर रहे हैं ना, बार में जंप हो रहा है, दैट इज वाई ये भी ऑब्जेक्ट कंट्रोल स्किल में आ रहा है। नेक्स्ट, आप क्वेश्चन का आंसर देने लगे हो, उसकी ऑप्शन तीन है, आइडेंटिफाई टाइप ऑफ स्किल, पहली ग्रोस लोकोमोटर, दूसरी ग्रॉस ऑब्जेक्ट कंट्रोल, तीसरी फाइन।
जब छोटे पार्ट हैं एनर्जी कम है तो फाइन, जब बड़े पार्ट हैं लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है तो ऑब्जेक्ट कंट्रोल। अब इसको अपनी कॉपी में लिख लो, आप कह रहे थे कि ये याद नहीं रहती, बेशक यहां पर लिख लो आप, ए ग्रोस लोकोमोटर, बी ऑब्जेक्ट और फाइन तीसरी, तीसरी फाइन रखी है और पहली लोकोमोटर है, ठीक है। चलो आपकी एग्जांपल है ए ग्रॉस लोकोमोटर जहां ऑब्जेक्ट कंट्रोल। अब आपको क्या चीज सता रही है कि ये पकड़ा हुआ है, ये क्या होगा? आपको ये चीज सता, ओके आप लोकोमोटर है, ज्यादा जा रहे हैं। देखिए मेरा एम था 80% हो गए, तो आप दे रहे हो 83% का राइट आंसर है। फर्स्ट इज राइट आंसर ग्रोस मोटर, नेक्स्ट है आपका ए ग्रोस लोकोमोटर, बी ग्रोस ऑब्जेक्ट कंट्रोल, तीसरी फाइन। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। अच्छा 19 को ये लग रहा है कि ये फाइन मोटर है यहां पर सर, ये वाला क्वेश्चन ही डिस्प्ले नहीं हुआ, ने पीछा नहीं छोड़ा। हाँ जी प्लीज सर, हमने पोलिंग शो नहीं हुई, डिस्प्ले ही नहीं हुआ, पोलिंग शो नहीं हुई, पोलिंग शो नहीं हुई, पोलिंग दोबारा शो कर दो, हो रही है, एक मिनट बस। यस क्वेश्चन ये है कि ये कौन सी स्किल है, लोकोमोटर ग्रॉस, ऑब्जेक्ट कंट्रोल ग्रॉस या फाइन। यस जिन्होंने फाइन चूज किया है वो ये सोच ले कि इसमें कोई फिंगर हाथ यूज हो रहा है, ये फिंगर टिप, ये कलाई, ये यूज हो रही है, जहां ये लेग यूज, जब लेग्स यूज हो रही हैं, अपर पार्ट यूज हो रहा है बॉडी का, जो स्टोमक यूज हो रहा है, तो ग्रॉस था। तो आपका है 57 ने दिया है ग्रोस लोकोमोटर, राइट आंसर इज ग्रोस लोकोमोटर। नेक्स्ट है यस, नेक्स्ट पोलिंग, फिर क्वेश्चन वही है, सॉरी क्वेश्चन बदल गया, ठीक है। बच्चा ये कर रहा है, ये बच्चे के हाथ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे कुछ कर रहा है, जल्दी बताइए। पोलिंग हो गई शो आपको। अब देखिए फर्स्ट था लोकोमोटर ग्रोस, बड़े पार्ट हो रहे हैं यूज या छोटे छोटे हो रहे हैं यूज, है ना। दूसरा है ऑब्जेक्ट कंट्रोल, तीसरा है आपका फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल इज राइट। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट कंफ्यूजन आ रही है थोड़ी, ग्रॉस में भी और ऑब्जेक्ट में भी, फाइन में आ रही है कि नहीं, दीजिए आंसर। ये आंसर आ गए, सेकंड वाला है ऑब्जेक्ट, 50-50 थोड़े से जा रहे हैं, बी में ज्यादा जा रहे हैं, सी भी किसी ने चूज किया, शायद गलती से चूज किया है, सी के तो करीब ही नहीं जाना, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, मैं गलतियां कर सकता, ये देखिए ना लेग्स बच्चे की यूज हो रही है, ये यहां पर कंट्रोल है, यहां पर इनको पकड़ा हुआ है, इसलिए इसको पकड़ा हुआ है, दैट इज वाई आपकी मूवमेंट है। ये किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, वहां बॉल को कंट्रोल कर रहे थे, यहां कंट्रोल नहीं कर रहे। ओके फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट है यस, एक बेबी है वो अपने शर्ट के बटन लगा रही है, यस। नेक्स्ट आपकी पोलिंग वही ऑप्शन है, लोकोमोटर ऑब्जेक्ट कंट्रोल के फाइन, यस आंसर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगाना। देखिए कि पूरी बॉडी को यूज करना पड़ता है जब बटन लगाने हैं, पूरी बॉडी को, कि जहां सिर्फ इन इन इनका इनका काम है। अच्छा आप हिल सकते हो लेकिन वो हिलना जुलना जो है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि ये बटन इसमें बीच में चला जाए, इतनी सी बात है ना, तो उसको देख के आंसर दीजिए। यस 91% का राइट आंसर फाइन मोटर है। नेक्स्ट ये जल्दी से, लोकोमोटर या ऑब्जेक्ट कंट्रोल, फाइन पक्का नहीं है क्योंकि फाइन नहीं आ रहा है, अब ये समझ आ गई है, लोकोमोटर या ऑब्जेक्ट कंट्रोल, बच्चे एक रस्सी सी है उस पर चल रहे हैं, यस 80, 83, 85, 80 ये चल रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं पकड़ा, वो ऑब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर रहे, अपनी बॉडी की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। दैट इज वाई किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, अब मल्टीपल इंटेलिजेंस हमारे टीईटी के सिलेबस में आएंगे, तो सारी ये सारी एग्जांपल वहां फिर देनी पड़ेगी, क्योंकि मोटर मूवमेंट और किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस एक जगह जाके मिल जाएगी, किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस ये एड कर लीजिए नया शब्द। ओके अब बताइए
लोकोमोटर या ऑब्जेक्ट कंट्रोल, ए या बी? डिस्प्ले हो गया आपको लोकोमोटर या ऑब्जेक्ट कंट्रोल, ऑब्जेक्ट कंट्रोल 93 का राइट आंसर। यस, नेक्स्ट बच्चा ये प्ले खेल रहा है खिलौनों से और एक ऑब्जेक्ट है उसको दूसरे पर फिट कर रहा है, ऐसे ऐसे फिट कर रहा है, तो क्या है फर्स्ट सेकंड या थर्ड, ग्रॉस लोकोमोटर या ऑब्जेक्ट कंट्रोल या फाइन? ओके, 83 का राइट आंसर है फाइन मोटर स्किल है। नेक्स्ट, एक बच्चा अपने शूज को टाई कर रहा है, शूज को टाई कर रहा है, ये रहा। अब आपको ये अगर लग रहा है कि ये क्या, अगला क्राइटेरिया क्या दिया था, इसमें एनर्जी ज्यादा लग रही है या कम लग रही है? अगर कम लग रही है तो फाइन की तरफ जाइए, अगर ज्यादा लग रही है तो ग्रॉस मोटर की तरफ जाइए। यस, राइट आंसर है आपका। हो गया पोलिंग शो? हो गई नहीं हुई? दोबारा है पोलिंग, दोबारा कर लीजिए। यस 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 यस, वेरी गुड, 100% राइट आंसर। नेक्स्ट इज, जल्दी से बताइए, जल्दी से ऑप्ट कीजिए। यस, शो हो गई, अब शो हो रही है आपको, ये बतानी है। बच्चा इस फिंगर से कर रहा है, वो अपनी बॉडी एनर्जी ज्यादा लग रही है उसकी, उसकी एज की एनर्जी ज्यादा लग रही है या कम लग रही है, ऐसे ऐसे फिंगर से कर रहा है कुछ। यस, 100% राइट आंसर, फाइन मोटर स्किल। अच्छा, मेरे ख्याल में काफी है, आगे चलते हैं हम, एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके टीईटी में आने हैं वो करने लगे हैं सॉल्व। ये रहा एरो, ये कर दिया मैंने। नाउ आंसर दीजिए, ए बी सी डी पोलिंग चल रही है, ऑप्शन आपके सामने साथ में है। एनालिटिकल अप्रोच शुरू में की ना अभी, इन एनालिटिकल अप्रोच ए रिसर्चर और टीचर मूव फ्रॉम होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, होल टू होल, पार्ट टू पार्ट, यही मैक्सिम्स बन जाएंगे। एक बात आपको बोल दूं, मैक्सिम्स, मैक्सिम दूसरा कलर ले लूं, मैक्सिम्स, मैक्सिम्स वो क्या है कि आपको इन दोनों में से एक चूज करनी होती है, कि जो बीएड डीएलएड में भी है लेसन प्लान करते हो तो मैक्सिम लिखते हो कि ये मेरा लेसन होल टू पार्ट जाएगा या पार्ट टू होल जाएगा, दोनों अप्रोचेस हैं। तो एनालिटिकल में क्या है, आपने आंसर दे दिया, सी आंसर इज राइट। हैं, अभी आना है, डिस्प्ले हो रहा है, सॉरी। अब आपने चुनना है कि एनालिटिकल में हमने लिखा था ना ऊपर सब्जेक्ट है ना, उसके सब पार्ट बन गए, उसके सब पार्ट बन गए, टॉपिक बन गए, ऐसे मैंने समझाया था, यहां होल लिखा था, तो उसके हिसाब से आप बताइए कि एनालिटिकल अप्रोच क्या है। ये है राइट आंसर आपका, होल टू होल वाला कोई नहीं है। यस, 31% होल टू पार्ट इज राइट आंसर, 31% का है, डाउन चला गया मैं, मेरी टीचिंग डाउन चली गई। ओके, नेक्स्ट है, यस हेलो, यस नेक्स्ट है, आई नहीं थी, हैं सब पोलिंग शो ही नहीं हुई। अच्छा, नेक्स्ट में कर लेते हैं, अब शो होगी अब जल्दी। विच, व्हेन ए टीचर ज्वाइन द नॉलेज ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ऐसे सभी सब्जेक्ट को मिला के कुछ पढ़ाया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सेंट्रल आइडिया मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, उससे भी अच्छी है इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो हमारी वो इंडिया की अप्रोच नहीं है, वो अभी लागू हुई है। जब हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो ये कौन सी, एनालिटिकल अप्रोच है या सिंथेटिक अप्रोच है? मैंने जान बूझ के ये शब्द डाला है, ये वाला सिंथेटिक। पी एस्टेट में एक क्वेश्चन आया था, उस मोस्ट डिफिकल्ट सिर्फ एक वर्ड से बन गया था, जब सिंथेसिस अप्रोच है ये, इसका इस पर फोकस करना है, जहां ये सभी है ना। आंसर दीजिए, डिस्प्ले हो गए आपको, क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑप्शन है एनालिटिकल, दूसरी सिंथेटिक, तीसरी सिंथेसिस। एनालिटिकल है, सिंथेटिक है या सिंथेसिस है? द राइट आंसर इज, कितने परसेंट ने दे दिए जवाब, अभी 15-16 हुए हैं, शाबाश शाबाश। के क्वेश्चन क्या है कि सभी नॉलेज को ज्वाइन कर दिया, जब ज्वाइन करते हैं वो सिंथेसिस है या एनालिसिस है, ये बार बार यूज होगा।
तो ये 28, 9, 30 ने दे दिया, अभी मैं एंड कर रहा हूं, ये 50 सी आंसर किनका है, यस सी इज राइट आंसर, सिंथेसिस, सिंथेसिस देखना जब ब्लूम की टैक्सोनॉमी भी आप पढ़ोगे, यस सी इज राइट आंसर। चलते हैं आगे, डिस्प्ले कर दीजिए, यस नेक्स्ट है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, चल गया फोर। हाँ, द टर्म डोमेन इन साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी इज आल्सो नोन एज ए ए एरियाज ऑफ लर्निंग, एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, ऑल ऑफ अबव। ये जानबूझ के क्वेश्चन डाला है क्योंकि ये टर्म बदल के आती है। पोल आपको डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले हो गया है, और ये क्वेश्चन बीच में जब टीच किया था तब भी बताया था कि इसके और नाम हैं, अगर हैं तो कौन से हैं। आपने दे दिया, अभी 12 ने दिया है, जल्दी जवाब देना, इतना सोचना नहीं है कि एरिया, एस्पेक्ट, डायमेंशंस, डोमेन को क्या क्या कहा जाता है। राइट आंसर यहां पर आ गए 25, यस 26, जल्दी इतना टाइम नहीं लेना, बिल्कुल गलत कर रहे हो। अच्छा, राइट आंसर बताने लगा हूं, इसको एरिया भी बोलते हैं, डिस्प्ले कर दीजिए। राइट आंसर है 35 का, सॉरी 35 का नहीं, 38 का, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर, ऑल ऑफ अबव इज राइट आंसर। ये सभी कुछ कहते हैं, ये तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था, चलो शाबाश, लर्निंग होनी चाहिए। ध्यान से सुना, भारतीय स्कूलों में ज्ञान को अलग अलग विषयों में, इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि में पढ़ाया जाता है, अलग अलग कर दिए अब, अलग अलग। प्रत्येक शिक्षक अपने विषय को अलग अलग टुकड़ों में, भागों में, वर्गों में, ज्ञान खंडों में विभाजित करके पढ़ा रहा है, फिर आप आगे आप उसका टॉपिक डिवाइड करके पढ़ाते हो। भारतीय स्कूल की इस प्रणाली को क्या कहा जाएगा, सिंथेसिस, एनालिसिस, होलिस्टिक अप्रोच, नन ऑफ दीज। सिंथेसिस, एनालिसिस, होलिस्टिक, नन ऑफ दीज, डिस्प्ले कर दीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है भिन्न-भिन्न टुकड़ों में बांट दिया, सिंथेसिस किया या एनालिसिस या होलिस्टिक अप्रोच या कुछ नहीं। फर्स्ट है सिंथेसिस, बी है एनालिसिस, सी है होलिस्टिक अप्रोच, तीसरा है नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज, कितने लोगों ने दे दिया, आप थोड़ा वक्त ज्यादा लेते हो, हाँ लेकिन क्योंकि देखना है ना, आप बोरिंग ना हो जाओ, टाइम ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी कर रहा हूं। ओके, जब टुकड़ों में विभाजित करते हैं, कितनों ने दे दिया, 31, 2, 3, 4 ने दे दिया। राइट आंसर ज्यादा का है, 52, 3, 4, 5 का राइट आंसर है, ये एनालिसिस है राजे। जब टुकड़ों में विभाजित, जब पार्ट्स में डिवाइड, होल को जब पार्ट्स में डिवाइड करते हो तो ये एनालिसिस है। नेक्स्ट है हमारी एनालिटिकल अप्रोच है। अच्छा, व्हेन साइकोलॉजिस्ट इज एग्जामिनिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए लर्नर ही शुड एज्यूम दैट, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा, ये मुश्किल लगता है, किसी एक का भी ठीक हो गया तो बड़ी शाबाश। कि थिंकिंग डोमेन इमोशन को इन्फ्लुएंस नहीं करती, उसे ये सोचना चाहिए, ठीक है, उसे ये सोचना चाहिए कि थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल चेंज, नॉट है, नॉट, एक डोमेन का दूसरी पर असर नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। बस टाइम नहीं दूंगा, साथ में डिस्प्ले हो जाएंगे। थिंकिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल सिचुएशन, ये है, या थिंकिंग कैन नॉट बी फुली सेपरेटेड फ्रॉम फिजिकल, इमोशनल, सोशल एस्पेक्ट्स, एक डोमेन को दूसरी डोमेन से फुली सेपरेट नहीं किया जा सकता, यस yes। इसके लिए मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे, डिस्प्ले हो चुका है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सिर्फ 20% का ये ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, यस yes। ओए 20% कहा था आपको, 46% का क्यों ठीक हो रहा है, गलत, 40 का ये राइट आंसर, यस, क्या कहा था मैंने, एक डोमेन का दूसरी पर असर है, अगर चोट लगती है तो इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, इमोशन डिस्टर्ब होते हैं, सोशल डिस्टर्बेंस होती है, इसी, यही तो जिंदगी है, एक्चुअल में नॉलेज होल ही है, हम उसको पार्ट में डिवाइड करके पंगा ले लिया हमने। राइटिंग, जब लिखते हो आप, है ना, लेखन,
लिखना इज एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल. एक्सक्यूज मी सर, जो अभी क्वेश्चन पूछा था उसका राइट आंसर कौन सा था? डी था, लास्ट वाला डी. डी 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 सॉरी लास्ट वाला डी. ये सेपरेट नहीं किया जा सकता, मतलब एक का दूसरी पर इन्फ्लुएंस है, मतलब सेपरेटली फुली नहीं किया जा सकता. थोड़ी कंफ्यूजिंग थी. राइटिंग लिखना किसकी एग्जांपल है? ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 60 से ज्यादा ठीक होगा. फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, एस्थेटिक, कॉग्निटिव स्किल. लिखना है, आप लिख रहे हो. देखो इंडिकेशन दे रहा हूं कि आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है जब बड़े पार्ट या छोटे पार्ट यूज हो रहे हैं. ये देखना है ज्वाइंट कितने यूज हो रहे हैं. ओए 100% का ठीक हो गया. ओए क्या खा के आए हो आज? ओ माय गॉड 100% का राइट हो गया. थोड़े से का गलत कर दिया, बी दे दिया किसी ने. फाइन मोटर स्किल है ना राजे, राइटिंग इज एग्जांपल ऑफ. नेक्स्ट विराट कोहली. आप विराट कोहली हो, उसकी एग्जांपल है, उसका फील्ड देख लो, उसकी एग्जांपल क्लास में देने लगे हो. विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा है ना, ऐसे चौके छक्के लगाता है. तो एग्जाम्पल विराट कोहली कैन बी गिवन एन एग्जाम्पल ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव, कॉग्निटिव, मोटर डेवलपमेंट. डिफिकल्ट हो गया थोड़ा सा. किसकी एग्जाम्पल है, किसकी एग्जाम्पल है? यस डिस्प्ले हो गया. ओए शाबाश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है. जो ये देगा ना उसको स्पेशल ब्लेसिंग, अगर चॉकलेट होती ना तो दे देता. स्किनर कहता है रीइंफोर्समेंट करो, चॉकलेट दो. शाबाश ओए 65 का राइट आंसर जा रहा है. कितनों ने दे दिया अभी तक? 22 ने दिया. शाबाश राजे, शाबाश, वेरी गुड. ओए बल्ले ओ, वेरी गुड. आप टेट की बात करते हो, ऐसे पढ़ लिया तो वाह वाह वाह. कॉग्निटिव राजे इंटेलिजेंस है. इंटेलिजेंस क्या वो चेस खेल रहा है? अफेक्टिव इमोशंस क्या वो प्रेमी प्रेमिका की एग्जाम्पल बन रहा है कि वो क्रिकेट की एग्जाम्पल बड़ी है? क्रिकेट की ज्यादा बड़ी है. दैट इज वाई आपने चूज किया है. 61 का राइट आंसर है मोटर डेवलपमेंट. क्यों? कॉग्निटिव भी है राइट आंसर. बेस्ट आंसर क्यों है ये? क्योंकि ये मूवमेंट है राजे. चौका छक्का लगाना, बॉलिंग कराना, मुझे नहीं पता वो बॉलर हैं या वो कौन से हैं, जस्ट मैंने पूछा था बेस्ट क्रिकेटर कौन है जो ऐसे गेम खेल. तो मैंने गेम की एग्जांपल ली है. तो वो अगर इसको इसको ही आगे मतलब मोटर डेवलपमेंट इज राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग. अगर कोई कर सकता है उसको मतलब सच्ची घर आके आशीर्वाद दूंगा. विराट कोहली कैन बी गिवन एन एग्जांपल ऑफ, सेम स्टेम है, ऑप्शन बदल गए. फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, एस्थेटिक स्किल, कॉग्निटिव स्किल. अब थोड़ा इजी है अभी. अब 70 का ठीक होना चाहिए. डिस्प्ले कर दीजिए. फर्स्ट है फाइन, दूसरा ग्रॉस. यहां फाइन पहले लिख दिया, वेरी सॉरी, ग्रॉस को पहले लिखना था क्योंकि ग्रॉस मोटर पहले डेवलपमेंट होती है. विराट कोहली फाइन, ग्रॉस, एस्थेटिक, कॉग्निटिव स्किल्स. यस अभी तक दे दिया है जवाब. ठीक जा रहा है भाई. स्पेशल स्पेशल आशीर्वाद स्पेशल. वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. 74 का राइट आंसर है. अभी तक 56-7 ने दिया है. राइट आंसर चल रहा है. देखिए ना, वो लार्ज बॉडी पार्ट यूज करता है जब क्रिकेट खेलता है के छोटे छोटे पार्ट यूज करता है. तो राइट आंसर इज बी, ग्रॉस मोटर स्किल. नेक्स्ट इज विच इज ग्रॉस लोकोमोटर, ग्रॉस लोकोमोटर स्किल. अब ये देखना है ऑब्जेक्ट किसमें पकड़ना पड़ता है कि कोई ऑब्जेक्ट के बिना कैसे चल रहा है. यस विच इज ग्रॉस लोकोमोटर स्किल, स्विमिंग, कैचिंग, किकिंग, ऑल ऑफ दीज. स्विमिंग, कैचिंग, किकिंग, ऑल ऑफ दीज. स्विमिंग, कैचिंग, किकिंग, ऑल. ग्रॉस लोकोमोटर, स्विमिंग, कैचिंग, किकिंग, स्विमिंग, ग्रॉस लोकोमोटर. राइट आंसर है अभी तक आ गया 15 का, सबसे ज्यादा जा रहा है. शाबाश बेटा, शाबाश. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सभी की वेट नहीं करूंगा अभी तक. चलो जितनों ने दिया है उसमें से लगभग 70% का राइट है. स्विमिंग में कोई ऑब्जेक्ट नहीं ना पकड़ा, इसमें ऑब्जेक्ट पकड़ रहा है. ये कैचिंग, मैंने बॉल कैच की, ऑब्जेक्ट कंट्रोल हो गया. किकिंग में मैं किकिंग किक कर रहा हूं किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर रहा हूं. तो दैट इज व्हाई स्विमिंग इज राइट आंसर. नेक्स्ट इज पॉइंटिंग के टॉय. पॉइंटिंग कैसे करते हैं? वो मैंने बोले ना मम्मा, मैंने बोले ना. नाउ दिस देखिए, दूसरा क्राइटेरिया, एनर्जी ज्यादा यूज हो रही है या कम यूज हो रही है जब ये एक्शन है.
जब विराट कोहली खेलता है एनर्जी कम यूज हो रही है कि ज्यादा यूज हो रही है? बच्चा करे मैंने वो लेना है तो देखिए, फाइन ग्रोस एस्थेटिक कॉग्निटिव, फाइन ग्रोस एस्थेटिक कॉग्निटिव सेम ऑप्शन है, फाइन ग्रोस कॉग्निटिव, सॉरी फाइन ग्रोस एस्थेटिक कॉग्निटिव, यस शाबाश, 96 का राइट है, 96 का राइट है, 93 हो गया, बी चूज कर रहे हैं, ग्रोस मोटर, ग्रोस वो एक्शन नहीं यूज कर रहा, बड़े बड़े आर्म्स लेग्स दौड़ थोड़ी रहा है, ये मैं बैठा हूं, मैंने कहा यार मेरी वो कॉपी पकड़ाना, ये वाली, ये नहीं, ये क्या हो रहा है अभी, फाइन मोटर स्किल है, ठीक है, राइट आंसर इज ए, 88 का ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी यार फिर आज लंबा हो गया काम, मैं कल से कंट्रोल करूंगा, स्मॉल मसल्स आर इन्वॉल्व इन ग्रॉस फाइन कॉग्निटिव फिजिकल डेवलपमेंट, स्मॉल मसल, ये मेरे ख्याल में किसी का गलत होना नहीं चाहिए, इसकी एक्सपेक्टेशन मैं 90% कर रहा हूं कि स्मॉल मसल्स आर डिस्प्ले हो गया, ओके 88 का राइट आंसर है फाइन मोटर स्किल्स, वेरी गुड, शाबाश, नेक्स्ट है, ओए 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 चलता नहीं, ओए चल पा, यस चलो, वैसे 20 सवाल हैं, अगर आप कहते हो बंद कर देता हूं, अगर आप कहोगे डेवलपमेंट इज एग्जाम, पीछे रह गया 12th वाला, हाय रब्बा थैंक यू, कौन है भी, वेरी गुड, 12th वाला रह गया, डैश डोमेन ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट दैट एग्जामिन ग्रोथ एंड चेंजेस इन बॉडी एंड ब्रेन, अब आपने क्या फोकस करना है, फोकस क्या करना है, जब ये ऐसा क्वेश्चन पढ़ना है समझना कैसे है, बॉडी एंड ब्रेन, इसको फोकस करके आप देखो ये कॉग्निटिव है, अफेक्टिव है, कोनेटिव है या मोटर है, यस ग्रोथ ऑफ, शुरू में बताया भी था, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, मैं 30% एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 30% इसका राइट जवाब दे देंगे, यस डिस्प्ले कर दीजिए, हो गया, कॉग्निटिव अफेक्टिव कोनेटिव मोटर डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, क्या इसमें मूवमेंट लिखा है, अगर मूवमेंट लिखा है तो मोटर की तरफ जाओगे, अगर मूवमेंट नहीं लिखा तो नहीं, फिर नहीं जाएंगे, ग्रोथ की बात कर रही है, साइज बड़ा हो रहा है, कल बात साइज की थी ना, तो राइट आंसर कॉग्निटिव डेवलपमेंट जा रहा है, कॉग्निटिव आपने पता क्या सोच लिया, ब्रेन है, ब्रेन से इंटेलिजेंस या नोइंग होती है, ये ब्रेन की, देखिए ब्रेन और माइंड में डिफरेंस है, माइंड दिखाई नहीं देता, मेंटल प्रोसेसेस दिखाई नहीं, थिंकिंग दिखाई नहीं देती, ब्रेन दिखाई देता है, आप मेरा ब्रेन देखना है, दो हिस्से करके ऑपरेट करके बंद कर सकते हो, दैट इज व्हाई वो भी फिजिकल पार्ट है, वो भी फिजिकल पार्ट है, दोबारा इसकी पोलिंग कीजिए, इसकी दोबारा पोलिंग करेंगे, आपने कैसे सोचना है, बॉडी और ब्रेन क्या है, ब्रेन एक जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉडी का पार्ट है, पोस्टमार्टम करते हैं, ब्रेन को तोड़ लेते हो, हार्ट को तोड़ लेते हो, काट लेते हो, है ना, जे दिल खोल लेंदा यारां दे नाल, किसी है ना कवि ने, पात्र साहब ने लिखा कि उनका, उनको दुख बड़ा था, उन्होंने शेयर नहीं किया तो उनको हार्ट अटैक आया, उनका ऑपरेशन हुआ, तो उन्होंने लिखा कि जे दिल खोल लेंदा यारां दे नाल तो खोलना ना पैंदा औजारां दे नाल, सो शेयर अपने दुख कर लीजिए कभी कभी, ये बात है, आपका राइट आंसर अभी आ रहा है 64% आप जा रहे हो, यस राइट आंसर इज थर्ड सी कोनेटिव, कितनों का ठीक है, 62% जनों का ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट दैट एग्जामिन द चेंज इन नॉलेज, अब क्या फोकस करना है आपने, जब क्वेश्चन टेट में देखना है, नॉलेज स्टेट फॉल इन कोग्नेटिव अफेक्टिव कोनेटिव मोटर, यस ऑप्शन इज कोग्नेटिव, नॉलेज किस में आती है, कोग्नेटिव अफेक्टिव कोनेटिव मोटर, ओ बल्ले 90% का राइट आंसर है कोग्नेटिव, यस वेरी गुड कोग्नेटिव, प्याजे की जब बात आएगी कोग्नेटिव को याद रखना, नॉलेज को याद रखना, थिंकिंग को याद रखना, क्योंकि प्याजे की जो थ्योरी है उसने यही बताना है, बड़ा तंग करना है उसने, बड़ी डिफिकल्ट है थ्योरी, डेवलपमेंट एग्जामिन दैट यूज द सेंसेस, ये डिफिकल्ट है, सेंसेस क्या होती है एक बता देता हूं, अब आपने अंडरलाइन करना है सेंसेस को, आंसर वैसे ही है
कोग्निटिव अफेक्टिव कोनेटिव सेंसेस हैं आपकी आंखें जिसके जरिए है ना देखते हैं सुनते हैं जीभ कान ये देखिए कोग्निटिव अफेक्टिव कोनेटिव मोटर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो गया है आंसर दीजिए कोग्निटिव अफेक्टिव कोनेटिव मोटर सेंसेस आपको अगर बॉडी पार्ट ज्यादा लगता है तो उधर जाओगे अगर लगता है कि ये यार इंटेलिजेंस थिंकिंग से ज्यादा संबंधित है तो फिर आप जो है कोग्निटिव की तरफ जा सकते हो आप सोचते कैसे हो ना इस पर निर्भर कर रहा है यस ये वेरी डिफिकल्ट है सभी ने डिफरेंट लिए हैं सेंसेस से मोटर मूवमेंट की बात थोड़ी हो रही है ये मूवमेंट की नहीं बात हो रही मैं दिखाई दे रहा हूं आपको कोग्निटिव इस पर डिस्कशन पर नहीं करनी क्वेश्चन पर डिफिकल्ट है कि आगे चले सर कुछ वर्ड समझा दो हाँ ये वाला इसका आंसर नहीं पता लगा मुझे हाँ इसका आंसर समझाता हूं सेंसेस जो है आपकी आंखें ये हो गया आपका कान ठीक है ये आपकी जीभ ठीक है तो ये क्या है ये इंटेलेक्ट की थिंकिंग थिंकिंग की तरफ जा रहे हैं जहां ये बॉडी की तरफ जा रहे हैं ओके जहां ये मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं अभी मूवमेंट समझिए मूवमेंट में जॉइंट्स आते हैं ये जॉइंट्स अभी सिंगल जॉइंट मल्टीपल जॉइंट की बात की ना ऐसे सोचना है जॉइंट्स आते हैं ये जॉइंट्स आता है इनकी मूवमेंट होनी है ऐसे पकड़ना है तो ये वाली इनकी तो देखिए इसमें कोई ऐसी बात आ रही है जॉइंट्स वाली बात आ रही है आंखों के जॉइंट्स जी इसके जॉइंट्स जी इसके जॉइंट ऐसे कुछ हो रहा है तो अब चूज कीजिए पोलिंग द्वारा करेंगे बॉडी पार्ट लग रहे हैं थिंकिंग वाला है या इसमें कुछ फीलिंग वाला लग रहा है जीभ आपको गोलगप्पे खाने हैं यार जीभ क्या बात है कुछ लग रहा है उसके साथ संबंध किसके साथ सबसे ज्यादा संबंध लग रहा है सोचना आपने है डिस्प्ले हो गया है कि ये बॉडी पार्ट है तो आप चुनोगे नेचुरली ए फॉर इससे रखना था फिजिकल और ये अगर मोटर मूवमेंट है तो ये रखेंगे अफेक्टिव ये फीलिंग वाला है ये इंटेलिजेंस वाला है अभी भी 17-18 जनों ने किया है जल्दी खत्म करना है अभी टाइम लेट हो रहा है वेरी सॉरी फिर लंबा हो गया मैं माफी मांगता हूं लेकिन ये थिंकिंग एक्सरसाइज चल रही है अच्छा राइट आंसर बढ़ रहा है बता दूं आंसर है इनको बॉडी पार्ट कंसिडर किया जाता है यस बॉडी पार्ट कोनेटिव डेवलपमेंट सी इज राइट आंसर सी इज राइट आंसर कोनेटिव क्यों होगा क्योंकि अफेक्टिव में तो हम फीलिंग्स के बाद बात कर रहे हैं ना तो फीलिंग कैसे आएगी अगर हम जैसे टंग है तो अगर कोई टेस्ट कर रहे हैं तो हमारे में अंदर फीलिंग आ रही हाँ ये चीज टेस्टी है हाँ. और अगर आई से देख रहे हैं अगर कुछ हाँ. देख रहे हैं अच्छा देख रहे हैं तो फिर वो भी हमारी फीलिंग ही है कि हाँ हमने अच्छा देखा तो फिर इसमें अफेक्टिव क्यों नहीं आ सकता क्योंकि फीलिंग जो है वो किसे कहते हैं फीलिंग एंड इमोशन की डेफिनेशन समझ लीजिए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड आपको बहुत ज्यादा दुख मिला डिस्टर्ब हुए कि नहीं आपको बहुत ज्यादा खुशी मिल गई रिजल्ट आ गया आपका गोल्ड मेडल आ गया भंगड़ा डांस से रिलेटेड हो जाएगी ना माइंड के आगे पार्ट है ना वही तो पढ़ने हैं माइंड के किस पार्ट से कोनेटिव इसलिए है ना कि ये मतलब बॉडी पार्ट है एक yes, बॉडी yes. के जो पार्ट्स होते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडीज वो एक्शन करते हैं शायद बिल्कुल ये क्योंकि मूवमेंट जॉइंट्स वाली मूवमेंट नहीं है इनमें जॉइंट्स वाली है ना इसलिए ये मोटर की तरफ नहीं जाएंगे ये हो गया क्योंकि इनका फीलिंग डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड फीलिंग जो है आपको सेंटीमेंट पता होगा सेंटीमेंट परमानेंट जो इमोशंस होते हैं उसको बोलते हैं आप माँ के साथ जुड़े अपने धर्म के साथ कास्ट के साथ थोड़ा सा भी आपको कह रहे आप बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो है ना तो वो इमोशनल डिस्टर्ब है इमोशंस हमेशा ही डिस्टर्ब करते हैं फिजियोलॉजिकली भी और अंदर से भी लेकिन माइंड को समझना है उसके लिए अलग से क्लास होगी हाँ कोग्निटिव इसमें कोई थिंकिंग वाला तो चीज आई नहीं है थिंकिंग वाली तो चीज आई नहीं है दैट इज वाई एक्चुअली क्या है कि साइकोलॉजिस्ट परसेप्शन और सेंसेस को कोग्निटिव में रखते हैं दैट इज वाई ये क्वेश्चन बनाया था मैंने तो राइट आंसर है ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो ऐसे डिस्कशन होगी तभी पता चलेगा यार ऐसे भी सोचना है तो सोचना कैसे है इसी की एक्सरसाइज करवा रहे हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन
लैंग्वेज डेवलपमेंट इज क्लोजली रिलेटेड विद कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव सोशल लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये पार्ट है टीईटी का लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑप्शन आपके सामने है कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव सोशल, ठीक है बहुत अच्छा। ये जो ए बी और सी को नहीं चुना जा रहा है कि फीलिंग के साथ लैंग्वेज का संबंध, यस कम है। लैंग्वेज की स्टडी, लैंग्वेज की स्टडी चोमस्की को हम पढ़ेंगे, ठीक है उसमें एल ए डी को लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये मैंने दो उत्तर दे दिए, ये टीटी में बहुत आते हैं, यहां पर राइट आंसर पर चल रहे हैं, यस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, शुरू में बताया भी था, शुरू में बात की थी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लैंग्वेज इज आल्सो पार्ट ऑफ कोई साइकोलॉजी, इसको एक ही डोमेन में रखते हैं। तो 52 का राइट आंसर है, आगे चलते हैं, यहाँ किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो आगे चल रहे हैं। यस इसमें सोशल नहीं आ सकता, सोशल राजे आप फोकस इंटरेक्शन पर देखिए, देखिए बहुत अच्छा, जिसने सवाल पूछना है वो ज्यादा मुझे अच्छा लगता है। देखो ये आप हो और ये कोई और है, तो जब इंटरैक्शन एक्शन रिएक्शन यहां लिख दिया इंटरैक्शन है ना, कम्युनिकेशन, जब फोकस ये है, लैंग्वेज तो है ना कि एक ए थी, ए एप्पल था, उसको माइंड में ब्रेन में कैसे रखना है, क्योंकि लैंग्वेज क्यों इंटेलेक्चुअल है, ये सिंबल्स हैं, जब भी सिंबल्स को माइंड में संभालना होता है और जब जरूरत पड़े उसको निकाल के यूज करना होता है तो वो कॉग्निशन का काम आ गया। आपको ए के साथ किसी मीनिंग को एसोसिएट भी करना है, अगर मैं यहां पर ये एप्पल है पहले दिखाया था, फिर एप्पल लिख दिया ऐसे, तो अब एप्पल जो है मैंने हिंदी में सेब लिख दिया, तो ये कुछ नहीं है, सिंबल्स हैं सारे, अब एप्पल नहीं है ये है, ये इंफॉर्मेशन का काम है, जो माइंड में स्कैमास है उनका काम है, थिंकिंग का काम है, मेमोरी में इन सिंबल्स को संभालने का काम है, ठीक। हां जब लैंग्वेज से हम सोशल रिलेशन बनाते हैं ये सेकंड स्टेप है, पहले अंदर संभालने की बात है और यूज करने की बात है, दैट इज व्हाई इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे जो चोमस्की की थ्योरी पढ़ेंगे ना हम, वो एलएडी की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो कहते हैं ब्रेन में हमारे ये डिवाइस होता है जो बच्चे को ऑटोमेटिकली भाषा को सिखा देता है, तो वो जितनी भी थ्योरीज हैं वो दैट इज व्हाई सिंबल से इसका रिलेशन है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 16th रहते हैं आए थके नहीं, डेवलपमेंट दैट एग्जामिन द चेंज इन फीलिंग्स ऑफ लर्नर, अब अंडरलाइन करो फीलिंग्स को, यस फीलिंग्स, कल से क्वेश्चन कम रखूंगा ये पक्की बात है, कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव मोटर डेवलपमेंट, यस डिस्प्ले हो गए हैं फीलिंग्स, फीलिंग्स फीलिंग्स आपकी, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं 90% के आंसर ठीक होने चाहिए, और डिस्प्ले हो चुके हैं आधे से ज्यादा, 91 के राइट जा रहे हैं, 90, 81 फीलिंग्स का, यस 20, 21, 81 यस, कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव मोटर, फीलिंग का किसके साथ संबंध है, कॉग्निटिव से अफेक्टिव से, हाँ यस 80 के करीब ठीक है, ये देख लीजिए एक बार के क्या बात है, मैंने कहा था अफेक्टिव, ये देखिए ये तो क्लू भी दिया था, एफ से फीलिंग को जोड़ लीजिए याद रखने के लिए, आई से इंटेलेक्ट को जोड़ लीजिए इंटेलेक्ट को, और कॉग्निटिव से जोड़ लीजिए एक्शन को फिजिकल को, एक्शन फिजिकल होते हैं ऐसे, अगर अब ये क्या कर रहे हैं, ये सिंबल को अपने माइंड में आप रख रहे हो ना, तो ये कॉग्निशन का ही काम है जो अभी भी करवा रहा हूं। नेक्स्ट मेरे ख्याल में एक आध क्वेश्चन रह गया, एक दो वो चल भाई आगे, यस आगे 17 डेवलपमेंट दैट एग्जामिन द मोटर स्किल फॉल्स इन, ये सभी का ठीक होना चाहिए, 100% का ठीक होना चाहिए, मोटर स्किल्स ये क्वेश्चन आता है, मोटर स्किल्स कॉग्निटिव अफेक्टिव कॉग्निटिव मॉरल, मोटर स्किल्स
किस में आता है? मोटर मीन गलती से डी कर दिया। कोई बात कोई बात, स्किल लिखा हुआ। कोई बात कोई बात कोई बात कोई बात, ठीक है आपको हम ठीक में ही रखेंगे। हाँ ये थोड़ा पुअर गई है, ये थोड़ी कम गई है। 55 का राइट आंसर जा रहा है। इसे बंद कर दीजिए, ये मैं समझाने लगा हूं। ये देखिए अभी बात की है, मोटर का मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मूवमेंट ऑफ मसल्स है ना। तो यहां किया था को नेटिव का एक्शन, इसको याद रखा था ना, तो ये इससे मिल रहा है, दैट इज व्हाई राइट आंसर इज को नेटिव। नेक्स्ट इज, बस एंड होने लगा है सर। अगर वहां पे मोटर स्किल्स, मोटर स्किल्स होता तो हम मोटर डेवलपमेंट पे रखते इसको। हाँ मॉरल है ना, मोटर नहीं है फिर तो। अगर मोटर डेवलपमेंट रखते तो आंसर मोटर डेवलपमेंट होना था या कॉग्निटिव ही होना था? नहीं फिर तो मोटर ही होना था ना, फिर मोटर ही होना था। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा सोचा। सर ये फिजिकल के साथ रिलेट किया ना? हाँ क्योंकि ये उसी का दो पार्ट है ना। हाँ हमने किए, एक ग्रोथ होती है, साइज बड़ा होता है, वो भी फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। मोटर का मूवमेंट के साथ ही है, जिसकी एक्सरसाइज मैक्सिमम विराट कोहली की, ये वो अब अभी बातें करके आए हैं, ये रहता है अभी मोटर, दैट मोटर स्किल। ओके नेक्स्ट है डेवलपमेंट दैट एग्जामिन द चेंज इन इंटरेक्शनल स्टाइल। इंटरेक्शनल पर फोकस कीजिए, अब क्वेश्चन खत्म होने लगे हैं, दैट्स ऑल। कॉग्निटिव सोशल, कॉग्निटिव मॉरल, कॉग्निटिव सोशल, कॉग्निटिव मॉरल, इंटरएक्शनल, इंटरएक्शन, कॉग्निटिव सोशल, कॉग्निटिव मॉरल, आ रहे हैं आंसर अभी तक 14 ने दिए हैं, शाबाश। नेक्स्ट चल रहे हैं, हाँ अभी तक इंटरेक्शन देखना है ऐसे। हाँ इंटरेक्शन जब करते हैं आप, किसी से इंटरेक्शन कर रहे हो, रिश्ता बना रहे हो, रिश्ता बिगाड़ रहे हो, रिश्ता अच्छा कर रहे हो, वो वाली बात सोचनी है। जब रिश्ता शब्द आ गया, इंटरेक्शन आ गया, तो एक ही आंसर है, यस राइट आंसर है बी, सिर्फ है 36% का। ये देखिए अभी मैंने समझाया था, ये देखिए ये हो गया आप और ये हो गए ये आप इनसे इंटरेक्ट कर रहे हो। इंटरेक्ट आप लैंग्वेज के बिना भी कर सकते हो ना, नॉन वर्बल लैंग्वेज भी होती है, दैट इज वाई सोशल डोमेन में आ रहा है ये। आगे चलते हैं, नेक्स्ट शायद लास्ट क्वेश्चन ही होगा। डेवलपमेंट दैट एग्जामिन द चेंज इन गुड एंड बैड बिहेवियर, ये देखना है गुड एंड बैड। आंसर है कॉग्निटिव सोशल मोटर मॉरल। कॉग्निटिव यस डिस्प्ले कर दीजिए, कॉग्निटिव आपने देखना है, मेरी आवाज को सुनो कि गुड एंड बैड बिहेवियर देखना है, कॉग्निटिव सोशल मोटर मॉरल। ओए होए 100% का ठीक हो गया, 95 का राइट आंसर जा रहा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, गुड एंड बैड। चलो इस पर रुकते नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है राइट आंसर इज मॉरल डेवलपमेंट। कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ेंगे इसकी, और मेरे ख्याल में मैंने 20 अरेंज किए थे। डैश यूज द फाइन मोटर डेक्सिटी, फिंगर टो मसल बोथ नन, मैंने डेक्सिटी का बताया था ना अभी। अच्छा यहां से ना पता चले, यहां से देख लो, हिंदी में देख लिया को, डैश मोटर निपुणता उपयोग किया जाता है, उंगली की मांसपेशियां, पैर की उंगली की मांसपेशियां दोनों, हा हा हा। ये रिजल्ट आ गया है सी बोथ, 52 का राइट जा रहा है। पीछे मैंने सिर्फ हैंड को बताया था ना, लेकिन यहां पर राइट आंसर हो गया, ये पहली नॉलेज की एक्सटेंशन हो गई। आगे है कोई क्वेश्चन?